का मॉल टू सहारा आदि का न्यूज चैनल आज मुंबई के प्रसिद्ध आजाद मैदान में शैलेश राजाराम पुणेकर जी समेत काफ़ी सारे 200 से ज़्यादा लोग आजाद मैदान में धरना देते हुए नजर आए, जिसमें युवा और महिलाएं और बुजुर्ग सभी लोग उनके साथ धरना दे रहे थे। उनकी मांगनियों से सहारा अधिकार से बात करते हुए शैलेश राजाराम पुणेकर जी ने बढ़ते पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों पर सरकार से निवेदन किया, गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर सरकार से निवेदन किया, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो बढ़ रहे हैं उस पर बात की, बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन मिले इस पर भी उन्होंने बात की, और नए सरकारी कर्मचारियों को जूनी पेंशन मिलनी चाहिए, ये सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते इन्फ्लेशन को लेकर सभी कार्यकर्ता उनके साथ एकजुट होकर आजाद मैदान में धरना दे रहे हैं, और सभी ने मीडिया चैनल्स के माध्यम से ये बातें काफ़ी स्पष्ट तरीके से सामने रखी कि इन बढ़ते दामों से गरीबों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, और अगर इनके दाम कम होते हैं तो गरीबों को काफ़ी अच्छी राहत मिलेगी। इस पर शैलेश राजाराम पुणेकर जी ने महाराष्ट्र के माननीय सीएम एकनाथ शिंदे जी से निवेदन किया है कि ये धरना में जो उनकी मांगनी है उसे पूरा किया जाए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, उन्हें किस तरह का राहत पहुंचाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। इस समय हम मुंबई के बहुत ही प्रसिद्ध आजाद मैदान में उपस्थित है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर मौजूद है, और आज शैलेश राजाराम पुणेकर जी, इनके लीडरशिप में इनके साथ में जो कार्यकर्ता है, ये थाने से और कई अलग अलग जगहों से इस प्रसिद्ध आजाद मैदान में धरना दे रहे हैं, आंदोलन दे रहे हैं, और इनकी सीधी रिक्वेस्ट है हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से। हमने इस विषय पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि द राइजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड स्पेशली इन मुंबई सिटी इन रिगार्ड टू एलपीजी गैस हो गया या सिलेंडर हो गया, उसके विरुद्ध में कि ये कम होना चाहिए और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिलनी चाहिए, इसलिए शैलेश पुणेकर जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आप देख सकते हो इस समय आजाद मैदान में पूरी लीडरशिप के साथ इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से डिमांड कर रहे हैं कि इनके जो मांगनी है वो कंप्लीट किए जाए। हम इनसे एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। जैसे अभी हमने देखा कि आपके काफ़ी सारे कार्यकर्ता इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं और आपकी मांगनी भी बहुत ही क्लियर कर दे, ये मांगनियों को लेकर आपके क्या प्रिपरेशन है और किस तरीके से आप माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ मांगनी आपके क्या क्या है, कि ये कितना इम्पोर्टेंट? आज आज़ाद मैदान में हम जो धरना देने के लिए आए हैं उसके मेन अपने 7 जो डिमांड्स है, उसमें से पहली डिमांड जो है, जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ है वो टैक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर चीज़ों में महंगाई हो गई है पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से। तो पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम हो जाते हैं, टैक्स कम हो जाता है, तो हमें बहुत सारी राहत मिल जाएगी, महंगाई कम होने में उससे बहुत मदद हो जाएगी। सर, रिसेंटली हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के प्राइस काफ़ी हाइक हो रहे हैं, तो ये सारे आपके साथ जो आपके सपोर्टर्स हैं इनका क्या कहना है कि ये वाकई में कम होने चाहिए और ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, चाहे एलपीजी गैस का आपने मुद्दा इसमें उठाया है, और काफ़ी सारे जो इन्फ्लेशन राइज के जो मुद्दे आपने उठाए हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है कम होने के? ये मुद्दा मतलब हर जो हमारे साथ जो है वो सब सामान्य जनता है, और इनको सब लोगों को, हमको भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, और घर चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये कम होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये मुद्दा उठाया है, और सरकार को अगर ये मुद्दा हम पहुंचाने वाले हैं, और सरकार के पास जब ये मुद्दा पहुंचेगा तो सरकार इसके ऊपर सोचेगी और हमें राहत देगी, या हमें तसल्ली है, तो देखेंगे आगे क्या होता है। नमस्कार मौसी, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? आप इधर से आई हो थाना से, और आप लोग की मांग कम करने का, सरकार से आप लोग काफी दुखी लग रहे हो, सरकार से आप लोग काफी दुखी लग रहे हो, हमारे जो नए मुख्यमंत्री जी बने उनसे आप क्या निवेदन करना चाहती हो? लाइट बिल कम करने का, घास कम करने का, हम लोग इधर आया मांगने मांगने। पेंशन की भी समस्या है आप लोग की, हमारी जनता को थोड़ा बताइए। महंगाई हो गया सब,
कम करने का। गैस के जो प्राइस बढ़े उससे कितनी दिक्कत हो रही है, अगर ये कम होगी तो आपको कितनी राहत मिलेगी ये बताइए। महंगाई हो गया सर, पहला 500 रुपए में था, 500 था पहला 500, और गैस का भी ज्यादा आ रहा है, दो पाँच क्या करेगा, गरीब लोग खाए, 5000 आ रहा है, झोपड़पट्टी में रह के 5000 में रहता, लाइट बिल भरने का, क्या गैस का भरने का, क्या जी आप थाना में कहाँ पे रहते हो, मतलब आप जितनी भी जनता को लाए हो टोटल कितने लोग हैं, कितने दिन से आप लोग परेशान हैं? तकरीबन 200 आदमी है, अभी आज का हम आज पहला दिन है हमारे आंदोलन का, ये आंदोलन 5 दिन चलने वाला है। आपने देखा मोदी जी ने कहा था कि हम विकास बढ़ाएंगे, लेकिन जनता यहाँ पे आई हुई है, काफ़ी परेशान है, धूप में कब से खड़ी है हम देख रहे हैं, सुबह से आप लोग यहाँ पे आए हुए, कितने परेशान हैं आप लोग, तो सरकार से आपकी क्या मांगनी है सर, उसके बारे में आप कुछ बताइए। जो सरकार ने आश्वासन दिया है वो हिसाब से सरकार कोई पूरी नहीं करे, इसलिए तो ये आंदोलन करना पड़ता है। तो जो मांगे है, अब मांगे क्या जो है, जो आवश्यक मांगे है वही मांगे हम लोग ने डिमांड किए है, तो वो डिमांड अपना होना चाहिए, यही सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है, विनंती है मोदी जी को, अगर थाना अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो सामान्य जनता है उनकी जो सामान्य मांगे है, मांगे भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये जो हमारी पूरी करेंगे तो हम उनको बहुत धन्यवाद देंगे, गरीब लोगों की गुजारिश अच्छी तरह से हो जाएगी। किस तरह की आप मांगनी करते हो, कितनी महिलाएं यहाँ पे आई हुई है आपके साथ में, जिस तरह जल्द से जल्द आप लोगों की मांगनी सरकार पूरी कर सके, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी कर सके, ताकि आप लोग जल्द से जल्द अपने घर जा सके। साधारण 200 आदमी में कम से कम 80 तो महिला होंगी, अभी वो महिला जो आए लिए उनको भी जो दिक्कत है, गैस का भाव बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक का चार्ज जो बढ़ गया है, तो वो उनको भी जो घर चलाना मुश्किल होता है, तो उन लोग को भी इतना आने की जरूरत पड़ी कि जो उनके घर वाले जो कमाई करके लाते हैं उनके हाथ में देते हैं, तो उनका उन घर में वो पैसे में उनका गुजारिश होना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद सर। देख रहे हम जनता के बीच आए हुए हैं, ये जनता के बीच आए हुए हैं, जनता थाना से आई हुई है, काफ़ी परेशान है, सुबह से ये लोग यहाँ भूखे प्यासे आज़ाद मैदान में रुके हुए हैं। सर क्या कहना चाहते हो आप लोग, कुछ खुल के बताइए, सरकार से आपकी क्या मांगनी है वो बताइए, आपका शुभ नाम बताइए। मैडम मेरा नाम ध्रुव सिंह है जी। 600 रुपये मजदूरी करते हैं लेकिन उसमें घर चलता नहीं है जी। अब हम लोग के यही अनुरोध है कि लाइट का बिल और गैस का जो सर ने बताया वो कम होना चाहिए, वही मांगे हम लोग का है। सरकार से क्या आप इच्छुक हो, अभी जो नई सरकार मुंबई में बनी है उससे आप क्या इच्छुक हो, एकनाथ शिंदे जी से क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? कम करना चाहिए महंगाई, कम करना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहते हो? महंगाई कम, महंगाई कम होनी चाहिए और सब बोलो भाई उसी पे। कहना चाहते हो आप, इस तरह आए हो सुबह से बैठे हो आज़ाद मैदान में, एकनाथ शिंदे जी आप लोगों की मांगनी पूरी करें, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहते हो? महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, गरीब आदमी है। जैसे कि देखा आप लोग यहाँ पे हमारी जनता आप लोग के बीच मौजूद है और सरकार से न्याय मांगना चाहती है, जो महंगाई ने इनकी कमर तोड़ी है उस पे इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। हमारे चैनल से यूं ही बने रहिए।